अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं गोहर और आप देख रहे हैं गोहर मोहसिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कहीं जा रहे हैं, इवन आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ गोइंग टू गिव मी सरप्राइज। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आप भी चले मेरे साथ, देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि व्हाट्स इन द सरप्राइज। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि सबके हाथों में एक स्ट्रॉबेरी बास्केट थी, एंड आई वाज रियली सरप्राइज और आई वाज एक्साइटेड टू कि क्या होने वाला है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। स्ट्रॉबेरीज बहुत फ्रेश थी बास्केट में, मैंने इससे पहले कभी भी इस दिन इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज नहीं देखी थी। फ्रेंड्स, फाइनली आई केम टू नो दैट कि हम स्ट्रॉबेरीज पिकिंग पार्क आए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अपनी मर्ज़ी से स्ट्रॉबेरीज तोड़ के हम खा भी सकते हैं और उनको हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। एक बात बताती चलो, इट वाज नॉट फ्री, हैव टू पे फॉर दी स्ट्रॉबेरीज ओनली दैट वी कलेक्ट इन द बास्केट। एंड देयर वाज नो ओनली स्ट्रॉबेरीज, वहाँ पे गूसबेरीज, रसबेरीज, ब्लैक बेरीज और रेड बेरीज भी थी। तो चले फ्रेंड्स, अब हम एंजॉय करते हैं दिस स्ट्रॉबेरी पिकिंग फार्म। आई होप सो आप भी मेरे साथ बहुत एंजॉय करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। I'm
तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस फ्रूट फॉर्म की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। द एरिया ऑफ दिस फॉर्म इज़ 125 acres, एंड सबसे पहले इसको पब्लिक के लिए खोला गया था 1973 में, अराउंड 45 years ago। और मैं बहुत हैरान हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में हमने ऐसी कभी भी कोई चीज़ नहीं देखी। अभी रिसेंटली जैसे गवर्नर हाउस को खोला गया था आवाम के लिए, तो कुछ ही दिनों में उसका क्या हाल हुआ था। बिकॉज़ हमारे यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो लोगों को ज़रा सी भी उस तरह की एक्टिविटी मिली लाइक, तो लोगों ने उसका बुरा हशर कर दिया। तो आई थिंक थोड़ी बहुत अमाउंट पे होनी चाहिए कोई ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान में, ताकि लोग जो हैं वो इन्जॉय कर सकें, अपने खुद से फ्रूट तोड़ के खा सकें। क्योंकि ऑफकोर्स विलेजेस में या साउथ पंजाब में इस तरह की चीज़ें हैं, बट प्राइवेटली ऑफकोर्स लोगों की अपनी हैं, दैट आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक। लेकिन आई होप सो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें ओपन हों, इस तरह के फार्म हाउस ओपन हों फॉर पब्लिक के लिए, ताकि बहुत थोड़े पैसों पे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम, बिकॉज ये एक प्राइवेट फैमिली की तरफ से स्टार्ट किया गया था 1972 में, एंड विद इन अ ईयर इन 1973 इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं रसबेरीज की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटे छोटे से पाइप नज़र आ रहे होंगे, इसमें ये है इनका वाटर सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही वाइट कलर के पाइप्स थे, अगर आपने नोट किया हो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में भी, तो इस तरह से ये इन प्लांट्स को पानी देते हैं यहाँ पे। तो मुझे ये बहुत अच्छा मेथड लगा है पानी देने का, और बहुत ही मॉडर्न है। तो मे बी पाकिस्तान में भी ऐसा हो, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, अगर है किसी ने देखा है तो प्लीज़ आप मुझे भी गाइड करो, बट अगर नहीं है तो आई थिंक पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही वाटरिंग सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज इस फॉर्म में अराउंड मिलियन तो प्लांट्स होंगे जिनको वो ऐसे ही पानी दे रहे हैं, तो इट्स नो डाउट इट्स रियली इफेक्टिव वे। सबसे अच्छी बात यह है कि पानी इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड पे उन्होंने कुछ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनमें भी स्ट्रॉबेरीज निकलने वाली हैं। तो जब यहाँ स्ट्रॉबेरीज निकल आएंगी, तो जो दूसरी साइड जहाँ पे अभी हम देख के आए हैं स्ट्रॉबेरीज, वो ख़त्म होने वाली हो जाएंगी, तो वो इस साइड को ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। फ्रेंड्स, एट दी एंड मैं कहूँगी सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, और नो डाउट ये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये था अ बिग फ्रूट फार्म। तो आई होप सो बहुत पसंद आया होगा आपको। आई विश पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से फार्म बने जो पब्लिक के लिए ओपन हों। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम बहुत 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 तरक्की करें, और मैं बहुत दुआ करूँगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो आप भी हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।